अब वो तुम्हारे गेम के लिए आधी रात तक एक दूसरे को कांग्रेचुलेट करते रहेंगे। मतलब मुझे मंडे के टेस्ट के लिए कल का दिन मिल जाएगा। कौन से टेस्ट की बात कर रही? वो शेरलॉक होम्स बुक्स पर है, फालतू की बातें पूछी हैं, जैसे वॉटसन एंड होम्स को किसने मिलवाया था, और हमें ये सब कुछ जानबूझकर पूछते हैं ताकि सब कुछ पढ़ना पड़े, वो भी डिटेल में। लगता है तुम्हें टाइम लगेगा। हाँ शायद। अच्छा तुम्हारा दोस्त फ्लाई, तुम एक दूसरे को कब से जानते हो? बहुत टाइम से, वो वहाँ पैदा हुआ है और मैं भी वहीं पैदा हुआ हूँ। तो ब्रॉन्क्स में? हाँ। मुश्किल हुई होगी। क्या मुश्किल? पता नहीं, नए लोग, नया स्कूल, नहीं हुई? नहीं, मुश्किल वहाँ पर रहना था जहाँ अंधेरा होते ही पुलिस वाले भी बाहर नहीं निकलते, और सबसे बड़ी बात ये थी कि तुम इसलिए सेफ हो क्योंकि तुम्हारे पास उनको देने के लिए कुछ नहीं। तो अच्छा ही हुआ जो यहाँ आ गए। हाँ, पर इन लोगों को भी लगता है कि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। अब तो मुझे निकलने मत देना, अगर मैं निकल गया तो मैं स्कोर कर दूंगा। okay. तुम तैयार हो? हाँ तैयार हूँ। अब मेरे सामने रहना, ठीक है? ठीक है, ठीक है। ओके। मैं तो कितनी आसानी से निकल गया। तुम मुझसे बड़े हो। तो अभी तुम्हें डिफेंस तो करना ही पड़ेगा ना। वो कैसे करते हैं? डिफेंस कैसे करें? अच्छा मैं तुम्हें दिखाता हूँ। पीछे घूम जाओ। चलो घूम जाओ। कुछ महसूस हुआ? हाँ हुआ। अब मुझे पता चल जाएगा तुम कहाँ जाओगी क्योंकि मैं तुम्हें फील कर लूंगा। ठीक है, अब लेफ्ट में जाने की कोशिश करो। मैं अभी यही हूँ, तुम नहीं निकल पाई क्योंकि मुझे फील हो गया था कि तुम लेफ्ट में जाओगी। अब राइट में जाओ। देखा, मैं अभी यही हूँ, फील हो गया था कि तुम राइट में जाओगी तो तुम कहीं नहीं जा पाई। अब साइड से निकलने की कोशिश करो। रुको रुको, पहले तुम्हें ड्रिबल करना पड़ेगा। ड्रिबल? हाँ ड्रिबल। ओके, ऐसे ना? ऐसे? हाँ ऐसे ही। सॉरी। क्लेयर। डैडी, हमारे कुछ मेहमान जा रहे हैं। मंडे मिलूंगी तुमसे अब, ठीक है?